बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज जिस घर का मैं आपको विज़िट कराऊंगा, 7 मरले का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, प्रॉपर एक डबल यूनिट हाउस है जो कि इस टाइम मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है। घर की जो लोकेशन है वो है बैरिया टाउन फेज़ ए रावलपिंडी, और जो घर की डायमेंशन हैं वो है 30x55, 30 फ्रंट है, 55 लेंथ है। वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है, घर का प्रॉपर विज़िट करेंगे। इसी वीडियो में आगे फर्दर घर की डिमांड, फ्लोर प्लान और इंटीरियर की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो एलिवेशन आपने देख लिया होगा सबसे पहले, जिस पर 2 डिफरेंट शेड्स में ग्राफी की गई है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, घर के राइट और घर के लेफ्ट साइड पे घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिलीज रह रही हैं। तो अब मूव करते हैं इसके कार पार्किंग रैंप पे। अच्छा व्यूअर्स, ये आ गया इस घर का मेन गेट। लेफ्ट साइड की तरफ स्लाइडेबल है, राइट साइड से बाहर की तरफ ओपनएबल है। मेन गेट के बिल्कुल बाहर आपके पास कार रैंप है जिस पे टफ टाइलिंग की गई है, और यहाँ पे सीमेंटेड स्पेस भी अवेलेबल है। लेफ्ट साइड पे छोटे साइज़ में घर का ग्रीन एरिया जो कि काफ़ी खूबसूरत डेकोर किया गया है, मज़ीद अच्छा इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। बिजली का घर में 3-फेज़ मीटर इंस्टॉल्ड है, उसके अलावा गैस, बिजली, पानी सब कुछ इस ब्लॉक में, इस एरिया में अवेलेबल है। अब मूव करते हैं घर के अंदर इसके पोर्च में। तो सबसे पहले पोर्च की आप डेकोरेशन देखें, बहुत ही खूबसूरत तर्ज में पोर्च को डेकोर किया गया है। लेफ्ट साइड पे माशाल्लाह से आप देख सकते हैं वॉल निश के अंदर फाबिया आला रब्बी को मातु का ज़िबान लिखा हुआ है। उसके अलावा राइट साइड पे जो डोर है, अपर पोर्शन की एक्सेस का है, डबल डोर जो है काफ़ी खूबसूरत शाइनिंग में डोर्स हैं, मेन एंट्रेंस का है। लेफ्ट साइड का डोर जो है ड्राइंग रूम की बिल्कुल सेपरेट एक्सेस का है। अब राइट साइड की वॉल की बात करें तो यहाँ पे वार्म लाइट्स का यूज़ भी किया गया है, आर्टिफिशियल ग्रास का भी, वुडन टेक्सचर की डल टाइल्स का यूज़ भी किया गया। फ्लोरिंग पे आप देखते हैं तो यहाँ पे भी फैंसी डल टाइलिंग की गई है, स्कॉटिंग सेम पैटर्न की। और फर्दर राइट साइड पे साइड स्ट्रीट है, बाइक्स साइकिल्स यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और पानी का मोटर भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। पोर्च में अगर कार पार्किंग स्पेस की बात करें तो एक बड़ी गाड़ी या तो एक छोटी गाड़ी एट द सेम टाइम एक गाड़ी पार्क कर सकते हैं, या तो 2 छोटी गाड़ियाँ अकोमोडेट कर सकते हैं। आ जाते हैं अब इसके मेन डोर की तरफ। तो सबसे पहले इसकी आप फिनिशिंग चेक करें, शाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। सॉलिड वुड के ये डोर हैं, 2 स्टेप्स हैं और देन हमारे पास मेन एक्सेस से चलते हैं घर के अंदर। अच्छा व्यूअर्स, आ चुके हैं घर के अंदर, और अंदर आते साथ ही इनसाइड फिनिशिंग भी आप चेक कर सकते हैं, डोर्स की बिल्कुल सेम पैटर्न की है जैसे आउटसाइड थी। अब मैं आपको इसका फ्लोर प्लान गाइड करता हूँ। यहाँ पे ड्राइंग रूम है डबल एक्सेस वाला विद वॉशरूम, और ये आपके पास आ जाता है इसका स्पेशियस मेन लिविंग एरिया, टीवी लाउंज, सिटिंग एरिया। अब टीवी लाउंज की स्पेस इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे आप डाइनिंग भी सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सोफ़ा वगैरह सेट करके इसको डेकोर कर सकते हैं। राइट साइड पे अपर पोर्शन की बिल्कुल सेपरेट एक्सेस है, आपने शीट एक इंस्टॉल करनी है, अपर पोर्शन को बिल्कुल सेपरेट आप रेंट आउट कर सकते हैं, एक पोर्शन में खुद रह के एक पोर्शन को आप रेंट आउट कर सकते हैं। अब इस घर की डिमांड की बात करते हैं तो इस घर की जो आस्किंग प्राइस है व्यूअर्स घर के ऑनर की तरफ से, वो है 3,10,00,000 रुपये जो कि नेगोशिएबल है। साथ साथ अब हम मूव कर लेते हैं इसके ड्राइंग रूम में जिसकी एक्सेस डबल है। अच्छा, पूरे घर में व्यूअर्स 3D वॉलपेपर्स इंस्टॉल किए गए हैं, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम पूरे घर में इंस्टॉल्ड है, सेफ्टी ग्रिल्स हर एक विंडो पे आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी। अब ये इसके ड्राइंग रूम का साइज़ है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। फ्लोरिंग पे टाइल पैटर्न है, सेम पैटर्न की टाइल जो है वो स्कॉटिंग पे भी इंस्टॉल की गई है। अलार्म सिस्टम की बात की तो वहाँ पर आप डिवाइस देख सकते हैं, SOS कंपनी की अलार्म सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अब फॉल सीलिंग जो है सिंपल रखा गया है, बीच में ग्लास वर्क भी किया गया है। उसके अलावा राइट साइड पर आप निश देख सकते हैं, वुडन बॉर्डर्स के साथ 3D वॉलपेपर है, और ऊपर वार्म लाइट का यूज किया गया। अच्छा, बेडरूम फर्स्ट और जो ड्राइंग रूम है इसका वॉशरूम शेयरिंग भी है। अब यहां पे आप डोर की हाइट चेक कर सकते हैं, काफी हाइटेड डोर है। फ्लोरिंग पे टाइल है, वॉल हंग एक आपको वैनिटी मिल जाती है, ऊपर मिरर, एक लाइट और काफी अच्छे अकोमोडेशन का प्रॉपर 7 फुट तक टाइल्स जो हैं यहाँ पे इंस्टॉल किए गए। तो व्यूअर्स, मेन रोड से अगर इस घर की एक्सेस की बात करें तो मेन रोड से आपने एक स्ट्रीट टर्न करना है, 5th या 6th टू मेन रोड जो है ये घर है। तो इसका इंटीरियर, इसका फ्लोर प्लान काफ़ी ज़बरदस्त है, जिन बिल्डर्स का ये घर है काफ़ी वेल नॉन डिवेलपर्स हैं बैरिया टाउन फेज़ 8 के। सिर्फ और सिर्फ 7 मरला के इनके प्रोजेक्ट्स हमेशा मार्केट में आते हैं, और विद इन अ मंथ 20-25 डेज सेल आउट हो जाते हैं। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास जिसने 7 मरला का प्रॉपर एक डबल यूनिट हाउस परचेज करना है, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट हाउस अवेलेबल राइट नाउ। अब आ जाते हैं इसके किचन की तरफ। तो जो टॉप है वो मार्बल का है,
ऊपर की जो शीट्स हैं और जो ग्राउंड लोअर शीट्स हैं आपके पास कम्बिनेशन में डिज़ाइन की गई हैं। टाइल पैटर्न जो है मिड का वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। हुड प्लस बर्नर जो है केन हुड का आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा किचन में भी बड़े साइज़ की विंडो है वेंटिलेशन की, स्लाइड डोर्स वाली, ऊपर टॉप पे एक एग्जॉस्ट फैन है। अब किचन का मैं आपको फॉल सीलिंग दिखाऊं तो काफ़ी खूबसूरत हैंगिंग बल्ब्स जो हैं यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। किचन में डबल एक्सेस वाला व्यूअर्स डोर है, वुड प्लस नेट का डोर भी है और एक आपके पास सॉलिड डोर भी अवेलेबल है। घर का जो बैक है उसके ऊपर भी ग्राफी की गई है। किचन में भी फ्लोरिंग पे जो टाइल पैटर्न है काफ़ी शाइनिंग वाली आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। और उसके अलावा राइट साइड पे ओवन प्लस ग्रिल बेकर की जो स्पेस है वो भी अवेलेबल है। यहाँ पे डबल डोर रेफ्रिजरेटर की स्पेस भी अवेलेबल है। अब किचन से एग्जिट करके आप एक दफ़ा फिर से सारा रिव्यू कर लें और यहाँ राइट साइड पे आ जाते हैं व्यूअर्स, मास्टर साइज बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम। अब जो टीवी लाउंज में टाइल है वो थोड़ा बहुत बेडरूम्स के टाइल से डिफरेंट है, थोड़ा सा शेड डिफरेंट है, डिज़ाइनिंग सेम है। राइट साइड से स्टार्ट करते हैं बेडरूम नंबर फर्स्ट से, तो यहाँ पे आते साथ या इस रूम का आप साइज़ चेक करें व्यूअर्स, 10 मरला के घर में तकरीबन इतना रूम साइज़ होता है। फॉल सीलिंग कम्प्लीटली डिसेंट रखे गए हैं और जो वॉल पेपर हैं काफ़ी खूबसूरत रखे गए हैं। अच्छा, इस रूम का जो वॉशरूम है यहाँ पे अवेलेबल है, 4 डोर ओपनेबल वार्डरोब सेटअप है, स्कॉटिंग सेम पैटर्न की है, स्लाइड डोर्स वाली वेंटिलेशन विंडोज, सेफ्टी ग्रिल्स इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पे व्यूअर्स एक स्लैब आपको मिल जाता है बीच में, स्टाइलो की वैनिटी है। उसके अलावा इस वॉशरूम में टाइल जो है प्रॉपर सीलिंग तक अटैच किया गया है, यहाँ पे तोलिया शोलिया लटकाने के लिए। और एक आपको मिरर मिल जाता है, एग्जॉस्ट फैन प्लस वेंटिलेशन विंडो। ये था व्यूअर्स बेडरूम नंबर फर्स्ट और काफ़ी अच्छे साइज़ का किंग साइज़ बेडरूम है। अब यहाँ से हम जल्दी से एग्ज़िट करते हैं तो बेडरूम फर्स्ट के एंगल से आपको मैं सारी स्पेस दिखा दूँ। आर्टिफिशियल प्लांटेशन के लिए स्पेस भी अवेलेबल है, 2 निशेज यहाँ पे भी हैं। राइट साइड पे अगेन बेडरूम नंबर सेकंड है। अब यहाँ पे भी OTS रखा गया फॉर वेंटिलेशन पर्पस। राइट साइड पे खूबसूरत निश है, रॉयल डिज़ाइन में आपके पास 3D वॉलपेपर है। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाती हैं 3 डोर ओपनेबल वार्डरोब्स। वैसे काफ़ी टाइम हो गया वार्डरोब जो है मैंने ऊपर ओपन करके नहीं दिखाई, तो बल्कि बेहतर ही था नहीं दिखाई। वॉचमैन के जो है थोड़ा सामान शामान पड़ा हुआ इधर, तो ये वॉशरूम जो है मैं आपको पहले विज़िट करवा चुका हूँ। तो व्यूअर्स बेसिकली 2+3 का यूनिट है। ग्राउंड पोर्शन पे 2 मास्टर साइज बेडरूम्स हैं, वॉशरूम्स के साथ एक टीवी लाउंज है, ओपन किचन है, ड्राइंग रूम है विद अटैच वॉशरूम। अब हम मूव कर लेते हैं अपर पोर्शन की तरफ, तो यहाँ से स्टेनलेस स्टील की ग्रिल्स हैं। एक आपके पास स्टेप जो है टॉप का मार्बल का है, लोअर जो है आपके पास टाइल पैटर्न है। चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। अच्छा व्यूअर्स, आ चुके हैं ऊपर और ऊपर आते साथ ही ग्राउंड पोर्शन से भी ज़्यादा स्पेशियस आपको अपर पोर्शन का लिविंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पे भी आपके पास डाइनिंग के लिए स्पेस भी अवेलेबल है। बेडरूम फर्स्ट, दिस इज़ द टीवी लाउंज नंबर सेकंड, किचन नंबर सेकंड, बेडरूम नंबर थर्ड, बेडरूम नंबर सेकंड और बेडरूम नंबर थर्ड। तो ये इस व्यूअर्स अपर पोर्शन का इसका प्रॉपर एक व्यू है और यहाँ से आपके पास एक्सेस है छत की। छत पे सर्वेंट रूम है वॉशरूम के साथ, उसका विजिट आपको ऑन ग्राउंड करवाया जाएगा। अब आप यहाँ से प्रॉपर सारी स्पेस का जो है फॉल सीलिंग चेक कर सकते हैं, 2 फैंस अवेलेबल हैं। फॉल सीलिंग जो है काफ़ी खूबसूरत और डिसेंट रखी गई है। अब व्यूअर्स, ये इसकी वॉल निश है अपर पोर्शन में, लिविंग में भी, और जो टाइल पैटर्न है थ्रू आउट आप देख सकते हैं किचन में, बेडरूम्स में, लिविंग में, हर जगह पर बिल्कुल सेम है। आगे सर्दियां आने वाली हैं तो यहाँ पे आप सनलाइट, आप धूप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हिट करेगी तो जो भी ये घर परचेज़ करेगा उसके फ़ायदे होने वाले हैं। फ़ायदे तो वैसे होंगे ही जो भी परचेज़ करे, धूप हो या ना हो। तो ये इसका सबसे पहले सीलिंग वर्क आप चेक कर लें, बहुत ज़बरदस्त सीलिंग वर्क है। बड़े साइज़ की यहाँ पे वेंटिलेशन विंडो है, अगेन स्लाइड डोर्स वाली वार्डरोब्स हैं, टेरेस की जो एक्सेस है वो यहीं से अवेलेबल है। उसके अलावा जो इसका अटैच वॉशरूम है काफ़ी प्यारा और बड़ा है। अब आप इसके वॉशरूम में आते हैं तो शॉवर कैबिन भी यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। टाइल्स आप देख ले, शाइनिंग बड़े बड़े साइज़ वाली फैंसी टाइल्स हैं। एक अगेन स्लैब मिल जाती है, अंदर स्टाइलो की जो वैनिटी है वो फिक्स्ड है।
ऊपर टॉप एग्जॉस्ट फैन प्लस वेंटिलेशन विंडो। ये व्यूअर्स अपर पोर्शन का बेडरूम नंबर सेकंड है, फर्स्ट है सॉरी। उसके अलावा ये सारी अकोमोडेशन मैंने आपको दिखा दी थी। और स्कॉटिंग भी पूरे घर में व्यूअर्स सेम टू सेम टाइल के पैटर्न की है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मीडिया रैक की कॉम्बिनेशन में काफ़ी बड़े साइज़ में काफ़ी खूबसूरत 3D वॉलपेपर यहाँ पे भी है, और दो आपके पास जो हैं वार्म बल्ब्स भी अवेलेबल हैं। अब ग्राउंड पोर्शन की तरह यहाँ पे भी बेडरूम नंबर सेकंड है, अगेन 3-door वार्डरोब्स मिल जाती हैं, एक वॉशरूम मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर आपको वुडन टॉप बॉर्डर का एक वॉलपेपर के साथ एरिया मिल जाता है। इसका जो अटैच वॉशरूम है थोड़ा साइड पे है, इसका टाइल पैटर्न काफ़ी खूबसूरत है। और इस वॉशरूम का आप साइज़ देखें, मतलब यहाँ पे भी आप सेपरेट कर सकते हैं अपने शॉवर एरिया को। ये टाइल्स पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई है, यहाँ पे फैंसी डल टाइल्स यूज़ की गई, कम्प्लीटली मैट फिनिशिंग जिसको आप कह सकते हैं वो टाइल्स हैं प्रॉपर सराउंडिंग में चारों दीवारों पर। तो ये व्यूअर्स बेडरूम नंबर सेकंड है अपर पोर्शन का। अच्छा, एक दफ़ा फिर से आपके साथ घर की आस्किंग प्राइस शेयर कर दूं। इस घर की जो आस्किंग प्राइस है घर के ऑनर की तरफ से व्यूअर्स वो है 3,10,00,000 रुपए। अच्छा, आप इस घर का विजिट स्केजुअल करने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंशन है। ड्यूरिंग द वीडियो भी आपको शो हो चुका होगा या होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये बेडरूम नंबर थर्ड है, आपके पास यहाँ पे काइंड ऑफ वॉकिंग क्लॉजिट है, 3-door ओपनेबल वार्डरोब्स, यहाँ पे मिरर शेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस रूम में भी आपके पास एक खूबसूरत वॉलपेपर अवेलेबल है। यहाँ पे आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, अगेन रिपीट करूँ यहाँ पे भी आप इसकी स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हद तक स्पेशियस है। एक अंडर द विंडो आप यहाँ से एक स्मॉल कैबिन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये पर्सनली मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड हाउस है, 7 मरला का, जिसमें प्रॉपर आपके पास 5 bedrooms की अकोमोडेशन है विद अटैच वॉशरूम्स, 2 TV लाउंज हैं, 2 किचन हैं, 1 ग्राउंड पोर्शन पे ड्राइंग रूम है विद अटैच वॉशरूम, उसके अलावा छत पे एक सर्वेंट रूम है विद वॉशरूम। अब ये अपर पोर्शन का किचन है, इसमें आप एलिमिनेशन शीट्स देख सकते हैं, काफ़ी प्यारी हैं, स्पेशली जो इसके हैंडल्स हैं काफ़ी ज़्यादा क्रोम में एक प्यारा लुक दे रहे हैं। तो ओपनेबल यहाँ पे भी जो हैं वो कैबिनेट्स हैं, बड़े साइज़ की विंडो, किचन की विंडो पे भी अलार्म सिस्टम जो है इंस्टॉल्ड है। अच्छा, घर के जो बैक साइड पे स्ट्रीट है उस स्ट्रीट में आपने जाके सीधा ऊपर जाना है तो आपको फैमिली पार्क जो है वो भी अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की नई वीडियो, आज का नया घर जो कि मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।